उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पूरनपुर में तराई क्षेत्र में गत वर्षों आतंक का पर्याय बने बाघों की लगातार हो रही मौतों ने वन विभाग के अधिकारियों के नींदे हराम कर रखी है। एक के बाद एक कई बाघों की हुई मौतों पर अब विभाग छानबीन कर मौत के कारणों तक पहुंचने के प्रति काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। बीते दिन खारजा नहर की पटरी पर एक और सावा के सड़े गले सौ पड़े होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सावक के सड़े गले सौ को कब्जे में ले लिया और कंजर्वेटर से कहा कि मृतक सावक की मौत सुअर के वायरस अथवा पॉइजन से हो सकती है, इसका पता पीएम के बाद ही सामने आएगा। विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही है। हरिपुर से दो कैमरे भी चोरी हो गए, जनजीवन की मतगणना करने के लिए क्या है सब सर, आप तस्वीर से बताएं। जो चीज़ है वो आपके सामने है जी। अगर गिरोह काम करता शिकार के लिए तो उसका ये जो आपका हड्डी और स्किन दिख रहा है, चमड़ा जी, खाल, दांत, नाखून और मूछ, ये सब आपको नहीं मिलता है यहाँ पर जो पिछले घटना हुआ था, एक डेड बॉडी हमको मिला था, आइबेरिया हम लोग लेके गए थे, लगभग एक महीना हो गया। वो एक टाइग्रेस शेरनी के दो बच्चे थे और एक बच्चा जो है हम लोग एक महीना पहले लगभग लेके गए थे। दूसरे बच्चे के बारे में शक ये हो रहा था कि इन्होंने एक कोई जंगली सुअर मारे होंगे और जिसमें वो टेप वर्म्स का इन्फेक्शन हुआ होगा, तो संदेह था हम लोग को। पर ये वनक्षेत्र के बाहर निकल के यहाँ आ गया, क्योंकि जब डेथ होता है वो बिग कैट्स, बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर होते हैं, वो वनक्षेत्र से बाहर ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अन्य टाइगर या लियोपार्ड उनको अटैक ना कर सके। तो ये हम लोग का सस्पिशन है, संदेह है। बाकी इसका फोरेंसिक टेस्ट हम लोग करवाएंगे कि संभावना ये भी हो सकता है कि पॉइजनिंग हो, उसको देखने के लिए हम लोग उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे। उसका स्किन, बाल हो गया, स्किन हो गया या हड्डी हो गया, उससे क्लियर हो जाएगा कि घटना क्या है।